बैक फ्रेंड्स, एक नया वीक और एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। इस बुक से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, वो ये है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करें। अगर आपकी लाइफ बैलेंस है, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक बैलेंस लाइफ को जीने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। जिस तरीके से एक कार जो होता है वो चार अपने व्हील्स पे बैलेंस होता है, उसी तरीके से हमारी लाइफ भी जो होती है वो चार इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरियाज के कारण बैलेंस हो पाएगी। वो चार एरिया कौन से हैं? पहला पर्सनल लाइफ, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा वर्क लाइफ, चौथा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। और एक कार की तरह हमारी लाइफ की जो स्टेयरिंग होगी वो होगी स्पिरिचुअलिटी पे। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी एक एरिया में अच्छे नहीं हुए और किसी दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, तब भी हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारा पर्सनल लाइफ, सोशल कंट्रीब्यूशन, वर्क लाइफ, रिलेशनशिप, सारे चीज़ बैलेंस हो। तो वो हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें एक कार को बैलेंस करने के लिए उसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, उस तरीके से हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए इन चारों एरियाज पे वर्क करना पड़ेगा। वो चारों क्रिशियल एरिया जो है उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। पहला एरिया है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में ये है कि जिस तरीके से एक चीज़ को हम दो अलग लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप देखेंगे वो चीज़ आपको उसी तरीके की लगेगी। जैसे कि एक कार को अगर एक नॉर्मल इंसान देख रहा है तो उसको कार दिखेगा, लेकिन कोई इसमें एक बिजनेसमैन देखेगा तो इसमें उसको बिजनेस दिखेगा, वहीं एक इंजीनियर को इसमें डिजाइन दिखेगा, उसका मैकेनिक्स दिखेगा। इसी तरीके से ये दुनिया हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिखती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा नज़रिया अच्छा हो। नज़रिया अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको पहले थैंकफुल होना पड़ेगा, आपको के अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि आप थैंकफुल हो चीज़ों के लिए। हर किसी की लाइफ में सैडनेस होता है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो आपकी लाइफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव साइड होगा। अगर आप उस पॉजिटिव साइड के लिए थैंकफुल रहेंगे तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होगी, आप थोड़ा मोटिवेट होकर काम कर पाएंगे। और ये करना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं, इसके लिए आपको बस ये करना है कि आप आराम से बैठिए, अपनी लाइफ में देखिए कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ है, उसके लिए थैंक्स होंगे, उसके लिए आप थैंक यू कर सकते हैं। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। तो उससे क्या होगा कि हर उससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत बेहतर फील करेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में कुछ ना हो पॉजिटिव। हर इंसान जो भी आज तक कहीं पर भी पहुंचा है, उसके पीछे हो सकता है उसके पेरेंट्स का हाथ हो, उसके टीचर का हाथ हो, बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लोगों का हाथ हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। जब ऐसा आप बार बार करेंगे तो आपका ब्रेन जो होगा वो पॉजिटिव साइड की चीज़ों को आपकी लाइफ में देखेगा, वो थैंकफुल फील करेगा, जिससे के कारण जब भी उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा उससे वो बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकेगा। अगर किसी भी नेगेटिविटी को कभी आप टैकल कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव हो, अगर आप भी नेगेटिव हो जाएंगे तो उस प्रॉब्लम के तले आप दब जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पर्सनल लाइफ में आप ग्रेटिट्यूड की भावना जरूर रखें। दूसरी चीज़ ये है स्पिरिचुअलिटी को आप अपने अंदर इंक्लूड कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपका ब्रेन क्लाम रहेगा, जिसके कारण वो बैलेंस होकर एक राइट डिसीजन ले सकेगा। दूसरा चीज़ जो है वो है रिलेशनशिप। जिस तरीके से आप 2 मिनट के अंदर इंस्टेंट नूडल्स बना सकते हैं, टिकट आराम से आप ऑनलाइन आज के ज़माने में बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहिए कि आप रिलेशनशिप बना सकते हैं 2 मिनट में या कुछ थोड़े से टाइम में, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे एक सीड थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो जाके प्लांट बनता, फिर वो ट्री बनता, उसी तरीके से रिलेशनशिप में टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर आपका कैसा है, वो रिलेशनशिप को डिसाइड करते हैं। जब भी दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आप सही वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। कई बार आपके एक छोटा सा शब्द बहुत बड़ा बवाल मचा सकता है किसी भी रिलेशनशिप। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका रिलेशनशिप में आप वर्ड सही से इस्तेमाल करें, आप शब्दों का चयन सही से कीजिए। दूसरा चीज़ है, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम में अगर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो वो रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये है, किसी को क्रिटिसाइज मत ज़्यादा कीजिए। इसको मैंने हाउ टू
विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नाम की बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जब भी आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं तो लोग आपसे नफरत करना शुरू करते हैं, लोग आपसे बात करना नहीं चाहता पसंद करते हैं। इसलिए जरूरी है कि दूसरों को उनकी प्रॉब्लम अगर है तो उसे इनडायरेक्ट बताएं, उसे क्रिटिसाइज ना करें। और आपका टोन कैसा, आप किस तरीके से बात करें, अगर आप हमेशा चिल्ला के हर किसी से बात करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। वहीं अगर आप लोगों से एक रिस्पेक्ट की भावना से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो शायद आपकी बातों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपका टोन कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चीज़ जो है रिलेशनशिप में वो होनी चाहिए फॉरगिवनेस, यानी कि हर चीज़ों के लिए अगर आप झगड़ा करते रहेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है छोटी छोटी बातों को भूलते चलिए और उस पर मत ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम किसकी वजह से आया। बार बार ब्लेम मत कीजिए कि प्रॉब्लम आपकी वजह से आया, फिर वो आपको ब्लेम करेगा। इससे ज़्यादा जरूरी है कि उस प्रॉब्लम क्यों आया ये समझिए, उस प्रॉब्लम से उस इंसान को अलग कीजिए और सोचिए वो प्रॉब्लम क्यों आया आपकी लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में, और उसे दूर करने का, उसे उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसे ढूंढने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वर्क लाइफ। देखिए हर किसी का जो वर्क लाइफ होगा उसमें कॉम्पिटिशन जरूर होगा, ये नेचुरल सी बात है, हर कोई कॉम्पिटिट करता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिना कॉम्पिटिशन के रह सकते हैं, और जब भी कंपटीशन होगा तब आप एक दूसरे से जेलस फील करने लगेंगे। आप कंपटीशन में आप कुछ बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कर सकते, आप कुछ यूनिक नहीं बना सकते, क्योंकि आप सीधे से कॉपी करना सोचेंगे, शुरू कर देंगे कि वो जैसा कर रहा है उससे आप बेटर बनने के लिए उसी का जैसा कॉपी कर देंगे। इसके कारण आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, और हर कोई कॉम्पिटिट करता है, आप यूनिक नहीं है। स्टूडेंट स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन से कॉम्पिटिट करता है, लेकिन जरूरी क्या है, कॉम्पिटिशन जरूरी है, लेकिन कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए, यानी कि आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ होना चाहिए। आप ये देखिए कल कैसे थे और आज आप कैसे हो गए हैं, ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसके कारण आप बेहतर होंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। और लास्ट चीज़ जो है वो सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। सोशल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जैसे एक आइसक्रीम होता है वो कहता है कि इंजॉय कर लेना चाहिए पिघलने से पहले, वहीं पर जो कैंडल होता है वो खुद पिघल जाता है लेकिन दूसरों को रोशन कर देता है। यहाँ पर आइसक्रीम सेल्फिश है लेकिन कैंडल सेल्फलेस की बात करता है। लेकिन आप दोनों एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खुद सिर्फ सोच लें कि मैं सबको डोनेट कर दूं पैसा लेकिन आप खुद नहीं कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले पैसे कमाएं, या जो भी चीज़ आप चाहते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन करना, पहले उसमें आप एक रिस्पेक्ट बढ़ाएं, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाइए। उसके लिए आपको पहले तीन जो चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और वर्क लाइफ को अच्छा बनाना पड़ेगा। जब आप इन तीनों पे अच्छे हो जाएंगे तो आप सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन सोशल कंट्रीब्यूशन हमेशा फैमिली से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो बाहर तो सब कुछ करते हैं लेकिन उनका घर में ही अच्छा नहीं चल रहा होता। इसलिए ज़रूरी है कि आपका सोशल कंट्रीब्यूशन घर से शुरू हो, उसके बाद आप सोशल वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बुक से बताई। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। एक बुक कंक्लूजन देख लेते हैं। पहली चीज़, पर्सनल लाइफ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका रिलेशनशिप आप अच्छा करती है। तीसरी चीज़ वर्क लाइफ है, और चौथी चीज़ है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये चार चीज़ मैंने आपको एक बुक से बताई थी। इस बुक का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। अगर आपको अभी बुक समरी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे दूसरों को शेयर कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।